अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेशन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने सारी की सारी जो सेलिब्रेशन है वो खुद की, और जो डेकोरेशन है और मतलब जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो मैंने खुद की। तो मैंने मतलब कि बहुत ज़्यादा लग्जरी बर्थडे नहीं की, लेकिन लो बजट में अच्छी बर्थडे कर ली। तो जैसे जैसे मिनसा बड़ी हो रही है, उसको अपनी बर्थडे की अवेयरनेस आती जा रही है, तो हर नए साल के साथ उसकी डिमांड्स भी होती हैं। तो इस बार उसकी डिमांड थी मामा कि मेरी जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो, उसका जो थीम है वो आपने पिंक रखना है। वैसे पिंक उसका फेवरेट कलर है। और यहाँ पर मैंने कुछ बैलून्स और जो है ये हैप्पी बर्थडे कार्ड्स ले लिए थे। इसके साथ ही मैंने अपने देवर फरदीन से कहा कि मेरी हेल्प कर दे, तो फरदीन ने और पापा यानी मेरे सुसर ने थोड़ी बहुत मेरे साथ हेल्प करवा दी। और मिनसा की बर्थडे आती है सख्त हब्स में, 1 अगस्त उसकी बर्थडे है, और अरहम जो मेरा छोटा बेटा है उसकी बर्थडे आती है 22 दिसंबर। तो एक बहुत ज़्यादा गर्मी में पैदा हुई और एक बहुत ज़्यादा सर्दी में पैदा हुआ, लेकिन मेरा खुद का बहुत अच्छा मौसम था, मैं अप्रैल में हुई, मेरी बर्थडे अप्रैल में आती है। तो यहाँ पे मैंने बैलून्स फुला फुला के, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया था, बैलून्स का ये रिंग बनाया। और ये देखिए तकरीबन मेरी डेकोरेशन डन हो गई। तो ये मैंने जो है बर्थडे से एक दिन पहले डेकोरेशन कर ली थी, तो नेक्स्ट डे अब मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो सेम डे अगर सारे काम हो तो बहुत थकावट हो जाती है, तो एक दिन पहले मैंने डेकोरेशन कर ली। और अब जो रात का खाना है वो दिन में ही तैयार कर रही हूँ, जैसे कि मैंने जो अब मेन्यू रखा है वो भी बहुत ज़्यादा लेविश किस्म का नहीं है। मैं चिकन का सालन और साथ में जो है मटर और चिकन वाले जो राइस है वो बनाऊँगी। तो चिकन की जो ये रेसिपी है बड़ी मज़े की है, तो ये रेसिपी ज़रा गौर से देखें। मैंने जो है मीडियम साइज़ के कुछ प्याज लेके उनको डार्क ब्राउन फ्राई किया, फिर उसमें मैंने चिकन डाल के फ्राई किया, उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल के फ्राई किया। मैं मसाले डाल रही हूँ, नमक, हंसपे जायका, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच धड़ा मिर्च और आधा चाय का चम्मच ही ज़ीरा डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था, जब तक कि कच्चेपन की स्मेल ख़त्म ना होगी। उसके बाद मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इनको ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करके मैंने मसाले में डाल दिया। और अब इसको मैं अच्छे से हल्की आंच पे भून लूँगी। हल्की आंच पे मैंने इसको रखा और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसकी जो स्मेल थी कच्चेपन की वो दूर हो चुकी थी। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें डाल के मैंने हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए फिर रख दिया। और 10 मिनट बाद जो चिकन का सालन है वो कुछ इस तरह से रेडी है। तो ये जो मेरा सालन है मेरे घर और ख़ानदान में बहुत पसंद किया जाता है, तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद आगे मैं बर्थडे गर्ल को तैयार करने, शाम असर का टाइम हो रहा था, तो बर्थडे गर्ल कहती है जी थोड़ा सा मेकअप कर दो। तो आज के दौर में तो बच्चियाँ मेकअप के बगैर तो रहती नहीं, तो थोड़ा बहुत मैंने मिनसा को हल्का हल्का सा मेकअप कर दिया, और मिनसा जो है बर्थडे गर्ल वो रेडी हो गई। तो माशाल्लाह से मिनसा 7 साल की हो गई है। और ये जो छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती हैं ना, इससे ये होता है कि एक तो फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, छोटा सा इवेंट हो जाता है। तो ये देखिए मेरी माशाल्लाह छोटी सी जो डॉली है वो तैयार है, छोटी सी प्रिंसेस, और ये उसका जो पीछे है सिंपल सा बर्थडे थीम है। और मिनसा को तैयार करने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई, क्योंकि राइस जो है वो ताज़े ताज़े गरम गरम अच्छे लगते हैं, इसलिए राइस को मैंने रात पर ही छोड़ दिया था। तो ऑयल ले लिया, उसमें लहसुन अदरक को डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे, साथ ही मटर डाल दिया और बहुत सारी हरी मिर्चें कूट के वो शामिल कर दी। और इसके बाद हल्का सा हम इनको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो स्पाइसेस है उसमें हसबे जायका नमक और 2 चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 क्यूब चिकन क्यूब वो ऐड कर लिया। बस इसमें सिर्फ इतने ही हम डालेंगे, यूँ कह लिए चिकन और मटर के तड़के वाले चावल हैं, बहुत मज़े के बनते, बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और लो बजट रेसिपी है, लेकिन बनते इतने मज़े के हैं कि क्या बताऊँ। और इसमें चिकन का और मटर का जो फ्लेवर आता है ना, बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ ही मैंने इसमें पानी डाल दिया और चावल डाल दिया, और उसके बाद जब इसका जो पानी है वो खुश्क हो गया, उसको दम लगा दिया। दम लगाने के बाद मैं चली गई थी मिनसा के लिए केक लेने, और जब मैं वापस आई तो चावल मेरे बिल्कुल रेडी थे और वो कुछ इस तरह से थे। शायद आपको वीडियो में दिखने में इतने मज़े के ना लग रहे हों जितने खाने में ये मज़े के थे, क्योंकि हैं तो ये बिल्कुल सिंपल से लेकिन बनते बहुत ज़्यादा मज़े के हैं।
और बस उसके बाद मैं मेहमानों को देख रही थी। मेहमान भी विंसा के लिए केक ले आए थे और हम भी ले आए थे, तो यहाँ हमारे पास दो केक हो गए। विंसा के काफ़ी सारे गिफ्ट्स इकट्ठे हो गए और उसके बाद मैंने डाइनिंग पे खाना लगा दिया और सलाद चटनी भी रेडी था। साथ ही हमने थोड़े से जो टिक्के हैं वो भी मंगा लिए थे क्योंकि मेहमान थोड़े ज़्यादा हो गए थे। अच्छा, तो मेन्यू देख लें, आपके है बिल्कुल सिंपल सा लेकिन है बहुत अच्छा, लो बजट में बहुत मज़े का मेन्यू है। और इसके साथ ही हमने जो डिनर है वो कर लिया, तो जो सेलिब्रेशन है वो हमने डिनर के बाद करनी थी। मिंसा के जो गिफ्ट्स हैं वो मैं टेबल पे इकट्ठे किए जा रही थी। बस खाना खाने के बाद मिंसा ने अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ पिक्चर्स खिंचवाई। ये मिंसा की मीरपुर की फ्रेंड है और मिंसा की बेस्ट फ्रेंड है, बस अपनी फ्रेंड की खातिर मिंसा ने ना सेलिब्रेशन की है और इसके साथ ही यहाँ कर लिया हमने सेलिब्रेशन। मिंसा को केक कटता देख अरहम रो रहा था कि मैंने भी केक काटना है, तो जो दूसरा केक है वो मैंने अरहम से कटवा लिया। इसके बाद जो सेलिब्रेशन है वो ख़त्म, और उसके बाद सेलिब्रेशन का जो खिलारा था वो कुछ इस तरह से पड़ा हुआ था और बस मुझे रात के जो बर्तन है वो नज़र आ रहे थे। यहाँ मिंसा अपने गिफ्ट्स को इंजॉय कर रही थी जो उसको मिले थे। और बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग, मेरी छोटी छोटी मेमरीज़। आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह बहुत जल्द टारगेट अचीव हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।